प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा जिस विषय पर कर रहे हैं वो दो बिंदुओं की एक ऐसी युक्ति से जुड़ी है जिसका सहजता से बहुत सहज और सरल रूप में हम उपयोग तो करते हैं लेकिन उनके अर्थ उस रूप में ध्वनित नहीं होते हैं, वो वैसे सामने नहीं आते हैं जैसा हम सहज रूप से या रूढ़ तरीके से ऑर्थोडॉक्स तरीके से हम उसको अभिव्यक्त करते हैं। कई चीज़ें हम आसपास परिवेश में सुनते हैं और सुनने के बाद हम उसको वैसा का वैसा बोल देते हैं और कई बार स्वाभाविक है कि हमारा विचार ये नहीं होता कि इन शब्दों का वास्तविक अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल मिलता जुलता है या जोड़े के तौर पर जो शब्द हमने प्रयुक्त किए हैं क्या ये बिल्कुल उसी अर्थ में है जिस अर्थ में हमारी मंशा है। और जिस शब्द की हम बात कर रहे हैं दो जो युग्म हैं वो हैं मोह और ममता। अक्सर सहज रूप से ये बात कह देते क्या मोह ममता में पड़े हो, माया का भी इस्तेमाल होता है लेकिन मोह ममता भी कह दी जाती है। ममता का त्याग करो कई बार हम ये भी कह देते हैं लेकिन इन दोनों शब्दों के अर्थों को अगर हम देखें तो मोह तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मोहाशक्ति मोह माया, लेकिन मोह ममता का युग्म ये जो है ये जमता नहीं। ममता एक पवित्र भाव है, ममता ममत्व यानी मातृ शक्ति की जो अद्भुत प्रेम श्रृंखला है उसका प्रतिनिधित्व करता है ममता या ममत्व। और ममत्व निश्चलता से भी निश्चित तौर पर संचालित होता है, निश्चलता में मोह नहीं होता, वहां सिर्फ कल्याण का भाव होता। इसीलिए ये कहानी जब हम बचपन में पढ़ते थे कि दो महिलाएं एक दुधमुहे शिशु पर दावा करती हुई जब प्रकट हुई राज दरबार में और दोनों के भाव और दोनों के स्वरूप को देखकर राजा और उनके मंत्रियों के लिए तय करना मुश्किल हुआ कि इनमें से ये पुत्र किसका है शिशु किसका है ये कहना कठिन है, तो राजा को एक ही उपाय सूझा, उसने कहा एक तलवार मंगाई जाए क्योंकि मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ, इस शिशु के दो टुकड़े करके दोनों को दे दिया जाए। तो उनमें से एक चीखी बहुत जोर से कि ऐसा मत करिए मेरा नहीं है ये इनको दे दीजिए। राजा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अब मैं उस ममत्व को उस ममता को पहचान पाया हूँ जो अब तक छिपी हुई थी, ये पुत्र तुम्हारा ही है माँ तुम ले जाओ। और इस स्त्री को जो बहुत भाव भंगिमा अभिनय में बड़ी पारंगत है उसको कारागार में डाल दिया। ममता इसीलिए निष्प्रह होती है, उसमें प्रेम तो छलछलाता है लेकिन बांधती नहीं है वो कि बंद के रह जाओ मेरे साथ ही रहो। इसीलिए माता पिता पुत्र पुत्रियों को पालते हैं लेकिन उड़ा देते हैं पंछियों की तरह, जा बिटिया अब तुम्हारा विवाह हो गया। कल्पना कर सकते हैं एक ही पुत्री है लेकिन उसको विदा करके अश्रुपात करके रोकर प्रसन्न हो गए कि अब ये अपने जीवन में जाएगी। पुत्र बेंगलुरु में है, चेन्नई में है, पुणे में है, अमेरिका में है, सिंगापुर में है, दुबई में है, खुश हैं लेकिन तस्वीर देखते हैं वीडियो कॉल करते हैं क्योंकि तो ममता है। आज इसी को समझेंगे और गहराई से। और अपने विषय पर जाने के पहले आपको बता दें कि शाम 5:30 बजे के स्थान पर अब ये कार्यक्रम दोपहर 2:30 बजे रिपीट टेलीकास्ट में प्रसारित होगा। और ये हमारे पास बहुत समय से आपके पत्र और आपकी सूचनाएं आ रही थी कि शाम को दफ्तर से लौटते हुए या किन्हीं किन्हीं कारणों में व्यस्त होने की वजह से इसके समय में अगर परिवर्तन किया जाए तो अब आप 6:30 बजे और दोपहर 2:30 बजे इस कार्यक्रम को देखेंगे। तो आपका प्रेम सहयोग और आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो हमको 7000969440 पर मिलती है। चलेंगे विद्वान वक्ता भगवत गीता के अध्येता मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष। प्रणाम कर रहा हूं डॉक्टर साहब जी। आज आपने ममता को बहुत अच्छा परिभाषित किया और जब आप ममता पर अपनी बात कह रहे थे तो मुझे इसमें अध्यात्म के दृष्टिकोण से बड़ा गहरा सूचकांक बिंदु मिला और मैं उस बिंदु में खो गया। ध्यान रखिएगा, जब भी हमारे चिंतन में
संक्रमण रहित मन होता है और उसमें समता होती है, तो उस प्रीति को हम ममता कहते हैं। संक्रमण रहित, उसमें किसी प्रकार का संक्रमण नहीं रहता और समत्व का भाव विद्यमान रहता है। समत्व के भाव का अर्थ गीता में परमात्मा बड़े सुंदर शब्द, माफी चाहूंगा आपको रोक रहा हूं, लेकिन आपने इसके पहले भी एक प्रसंग में, एक एपिसोड में बहुत सुंदर और बहुत गहरे नेतार्थ वाले इस शब्द का प्रयोग किया है, संक्रमण रहित मन या संक्रमण युक्त मन। मैं इसको एक एपिसोड के तौर पर आपसे समझूंगा कि मन का संक्रमण किस तरह से जीवन को संदूषित करता है, कॉन्टामिनेटेड करता है, वो मैं जरूर समझूंगा आपसे। अवश्य इस विषय पर अपन किसी एक अलग पृथक चर्चा में विस्तार से बात करेंगे। तो आप ध्यान रखिए, गीता में परमात्मा कृष्ण बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वो कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्चते। वो कहते हैं जहां पर सिद्ध और असिद्ध दोनों एक भाव में उपस्थित हो जाते हैं वो समत्व है, और इसे ही योग कहते हैं। तो ममता करने वाले लोगों से बड़ा योगी संसार में कोई नहीं रहता, आप ध्यान रखिएगा। ममत्व में समत्व होता है, इसलिए वो योगी होता है। योगी अब आपको इसके सुंदरतम उदाहरण बताएं जो हम रोज नित्य प्रति जिनका श्रवण करते हैं, लेकिन उनकी उनमें छुपी हुई यथार्थ तत्व से हम अपने आप को विरक्त कर पाते हैं। आप देखिए, जब भी आप कृष्ण के जीवन पर दृष्टि डालते हैं तो आपको मैया यशोदा याद आती है। आप हमेशा कृष्ण के बाल लीलाओं का चिंतन करते समय जितने बाल लीलाओं के नायक कृष्ण हैं उन पर भारी है यशोदा की ममता। ध्यान रखिएगा, मंदिरों में आप जाते हैं तो आप ढूंढते हैं कि रुक्मणी के साथ कृष्ण कहाँ हैं। रुक्मणी विट्ठल के दर्शन बड़े दुर्लभ होते हैं, आपको कम मंदिरों में होते हैं, लेकिन राधा कृष्ण के साथ दिखाई पड़ जाती है। बड़ी सुंदर विधा का उपयोग किया है ब्रजमंडल में इन भक्तों ने, अनवरत अनंत तपस्या की फलश्रुति में ममता का ये स्वरूप प्राप्त किया है। ममता जिससे की जाती है उसके हित का ही चिंतन होता है वहां, उसके अतिरिक्त स्वहित का चिंतन नहीं होता, ध्यान रखिए। तो जब कृष्ण केवल 10 वर्ष 8 माह तक रहे हैं ब्रज में, केवल 10 वर्ष 8 माह तक, लेकिन वही छवि ब्रज में विद्यमान हो गई 10 वर्ष 8 माह के उस किशोर कृष्ण के अतिरिक्त द्वारिकाधीश की छवि, मथुराधीश की छवि कभी भी ब्रजमंडल में प्रवेश नहीं करती। महतारी उसी में खोई हुई है, उसी छवि में मां को वही कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं, उन्हीं स्वरूप में पहुंच रहे हैं। उद्धव तो वो कह रहे हैं ज्ञानी है, जा भाई वहां जा। उद्धव जहां गए उन सखियों ने उस किशोर कृष्ण का ही वर्णन किया है अपने चित्त में। यही कारण है कि किशोरत्व के उस कृष्ण में विषयों की समता नहीं, विषयों का संक्रमण नहीं है, समत्व है। तो राधा हमेशा कृष्ण के उस स्वरूप में समाहित हो गई क्योंकि वहां ममता है। बहुत विशुद्ध प्रेम को हम ममता कहते हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन उसमें समता होती है। एक माँ के 4 पुत्र हों, चारों के प्रति उसका दृष्टिकोण साम्य भाव में रहेगा, वो छोटा बड़ा नहीं करेगी क्योंकि समत्व है। और जैसे ही इस समत्व में, इस समता में विषमता आ जाती है तो ये ममता मोह बन जाती है। जैसे ही समता में विषमता आ गई तो इसी ममता को मोह कहते हैं। ये ममता जो धृतराष्ट्र में पहुंच गई, ये ममता जो गांधारी में पहुंच गई, ये ममता जो ध्रुव की विमाता सुरुचि में पहुंच गई। ध्यान रखिएगा, यहां दोनों हैं, कृष्ण और रोहिणी और यशोदा दोनों हैं, लेकिन दोनों में भेद नहीं है। राम और श्याम एक से हैं, दोनों की महतारी के दृष्टिकोण में भेद नहीं है। और तो और यदि आप राम के परिवार को देखेंगे तो तीनों के हृदय में ममता विद्यमान है। तीनों के हृदय में, कैकेयी के हृदय में भी ममता विद्यमान है, कौशल्या के हृदय में भी ममता विद्यमान है, सुमित्रा के हृदय में भी ममता विद्यमान है। इसलिए इनके अपने पुत्र होने के बाद भी ये राम के प्रति प्रीत रखते हैं तीनों। अब एक की ममता में संक्रमण आ जाता है तो उसको मोह उत्पन्न हो जाता है, वो केकई है। वाह, केकई में मोह आ गया। देखिए ममता कितनी जुगत से मोह का स्वरूप धारण करती है और फिर मोह अंधा हो जाता है। इसी के प्रतीक में गंधारी और धृतराष्ट्र को अंधा दिखाया गया है, एक ने पट्टी बांध ली है और एक जन्मांध है क्योंकि वो मोहांध हो गए। ममता वहां समता के स्वरूप पर विद्यमान नहीं है। आप देखें, आपके घर में आपने एक श्वान पाला है, उस श्वान के अस्वस्थ होने पर आपको तकलीफ हो जाती है, उसकी मृत्यु पर आप रुदन भी करने लगते हैं,
लेकिन बाहर के श्वान के प्रति आपका वो दृष्टिकोण नहीं है, ये विषमता श्वान के प्रति आपका मोह है, ममता नहीं है। ध्यान रखिएगा, यदि आप गोसेवा घर में कर रहे हैं और जितनी गायें आपको दिखाई पड़ रही हैं उनके प्रति सेवा भाव आप में है कि देखो गो माता घूम रही हैं, तो आप ममता में हैं, फिर ये ममत्व आपकी प्रीति को विशुद्ध बनाएगा और वो प्रीति जो है परमेश्वर रसानाम मनस्या प्रेरिता कर देगा, तब आप अपनी उस विशुद्ध प्रीति से आनंद ग्रहण करते रहेंगे अपने चित्त में। लेकिन यदि यहां विषमता आपके जीवन में प्रवेश कर गई, हो क्या रहा है? पहुंच रहे हैं ध्रुव अपनी महतारी के पास रोते हुए कि मुझे जो है सुरुचि ने मैया ने जो है गोद से धक्का दे दिया। आप देखिए इनमें ममता है, सुनीति में ममता है। वो कहते हैं ठीक तो कह रही, उसमें नाराज क्यों हो रहे हो? वो अपने पुत्र को नहीं कह रही, वो तो है ही ऐसी। तो जब भी आप इस विषमता के से, अगर आप बालकों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण रखते हैं तो जैसा आपका बालक है वैसा ही जितने बालक हैं उनके प्रति आपको समभाव रखना चाहिए। उनमें ये नहीं कि दो बालक लड़े तो आपने अपने बालक के पक्ष में दूसरे बालक के कान खींच के रख दिए, आपके बालक के कोई कान खींचे तो आपको तकलीफ हो जाएगी। तो आप इस ममता को ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग संसार में जो मोह से नहीं जीत पाते, जो मोह से नहीं जीत पाते उनके लिए बड़े उदाहरण हैं, बड़े उदाहरण हैं। इस समता युक्त ममता को अपने हृदय में धारण करिए। ममता का संबंध महतारी से ही जोड़ देते हैं, लेकिन ममता जो है निरपेक्ष विषय वस्तु है। आपके चित्त में भी ममत्व हो सकता है, माँ के साथ ममता नहीं है, वो ममता माँ की मातृत्व शक्ति से जुड़ी हुई ममता है, लेकिन ये ममता आपके विशुद्ध प्रेम की पराकाष्ठा को प्रदान करने वाली ममता है। आप देखिए योगी जन तुकाराम को जो मिलता था जीवन में, संत को तो संत तुकाराम वहां से लेकर आते थे अपना, और रास्ते में जो मिलता था उसको बांटते जाते थे, एक तुम ये तुम ले लो, ये तुम ले लो। उनके मन में भेद नहीं था, वो सर्वत्र वितरण करते चले आते थे। उनके मन में ये भी नहीं था कि ये अपूर्व संपत्ति ज्यादा मूल्यवान है तो ये इसको अपने परिचित को दो, इसको ये दो, जो जैसा मांग रहा है बांट दे रहे हैं। मां मणि की माला जो राम ने सीता को भेंट में दी थी, जब सीता ने हनुमान लला को दी तो वो उसमें राम ढूंढने लगे। उनके लिए उन मणियों का कोई औचित्य नहीं था क्योंकि वो समतापूर्ण दृष्टिकोण रखते थे, चहुंओर परमात्मा की अनुभूति करते थे। तो उनमें क्या है, जिनमें ममता मोह बन जाती है उनको जीवन के संचालन में और इस नश्वर संसार को छोड़ने में बड़ा कष्ट होता है क्योंकि ये मोह फिर बांध लेती है। ध्यान रखिए ममता आपको मुक्त करती है, बांधती नहीं है, क्योंकि आप अपने प्रियतम के लिए जिनके प्रति ममता है, ध्यान रखिए उनके प्रति आपका चित्त जो है सदैव बना रहता है। आपने अभी एक सुंदर बात कही, एक माँ के लिए इतनी खुशी की विषय वस्तु है कि उसकी बेटी आनंद में है, उसका पुत्र खुश है। आपने देखा वो अपने पर नहीं देख रही कि आपकी सेवा कर रही है कि नहीं कर रही है, आपको पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, वो खुश है। वो ठीक है ना भैया, ठीक है, हम लोग तो अपना जीवन बिता लेंगे। ये विशुद्ध ममता का पर्याय है प्रत्येक चित्त में विद्यमान होने में। मैं आपको, पिताजी ने मुझे, हमारे श्रोताओं को लगता होगा कि ये कहानी की बात होती होगी, मैं आपको बहुत पुरानी बात नहीं, पिताजी ने मुझे एक दिव्य मूर्ति से आशीर्वाद दिलाया और मेरी मुलाकात कराई उनसे। मेरा वो परम सौभाग्य का दिन था। उनका नाम था महामना भागवत शिरोमणि श्री रामचंद्र जी डोंगरे महाराज। उन्होंने कलिकाल में भागवत को प्रत्यक्ष नित्य के रूप में प्रकट किया। आप देखिए डोंगरे जी, हर परिवार में आप जाएंगे तो बोलेंगे हमारे यहाँ भागवत है, वो भागवत सार लाती है डोंगरे जी के प्रवचनों का। प्रत्येक घरों में जैसे मानस सुशोभित होता है वैसे ही हर घर में आप पहुंचेंगे, अगर वो अध्यात्म प्रेमी है तो उनके यहाँ एक भागवत की किताब मिल जाएगी। उसमें एक हाथ जोड़े हुए संत जी दिखेंगे, बाल उनके छोटे छोटे हैं या भद्र हैं और वो हाथ जोड़े हुए बैठे हुए दिखेंगे, वो डोंगरे महाराज की भागवत कहलाती है। प्रत्येक घरों में भागवत पहुंचाया उन्होंने, घर घर में, वो डोंगरे महाराज भागवत शिरोमणि। उनके जीवन दर्शन को जब मैंने पिताश्री के मुखारबिंद से सुना तो मुझे लगा कि ऐसा ममत्वपूर्ण गृहस्थ जीवन शायद सचराचर सृष्टि में जिसको प्राप्त हो जाए शरद जी, वो परम भाग्यशाली हो गया। आप देखिए डोंगरे जी महाराज भागवत का प्रवचन करने जहां जाते थे, सामने वाले से केवल एक तुलसी दल लेते थे भेंट में, धन नहीं लेते थे डोंगरे जी महाराज, किसी से एक पैसा नहीं लिया डोंगरे जी महाराज ने, और भागवत शुद्ध अमृत प्रवाहित करते थे। लोग समाधिस्थ हो जाते थे जब वो बोलते थे।
जैसे कन्हैया ने प्रत्येक शब्दों को, जैसे सुखदेव जी ने और व्यास जी ने प्रत्येक शब्दों को उनके मुखारबिंद से स्वयं वक्तव्य व्यक्त किया, ऐसे भागवत के ज्ञानी थे। केवल एक तुलसी दल लेते थे और भागवत करते थे वो, जो वहां चढ़ोतरी में आ जाए वो वहीं बांटकर चले जाते थे। वहां जो हितार्थ संस्थाएं हैं, जो गरीब हैं, जो ये उनको देकर खाली हाथ लौट कर आते थे, कभी उन्होंने एक पैसा धन नहीं लिया। जब उनकी अंतिम भागवत हुई बंबई में तो उन्हें 1 करोड़ रुपए मिले उस भागवत में, चढ़ोतरी आई, उन्होंने उसे गोरखपुर के कैंसर अस्पताल में दान कर दिया। वाह, देखिए उनकी उनकी यह लीला भी, कैंसर से शांत हुई थी, उनको गले का कैंसर हुआ था और उन्होंने अपनी लीला शांत की थी। मैं उनकी गुणता आपको आज बताना चाह रहा हूं, वो ममता का इससे सुंदर उदाहरण मुझे जीवन में नहीं मिला। उन्होंने विवाह किया, एक परम धर्मावलंबी साध्वी भाग्यवती उनके जीवन में आई। जब आई तो पहले दिन उन्होंने कहा कि देवी, मेरे अंतर मन में ये भाव है कि तुम 108 भागवत सुनो, फिर हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें। उन्होंने कहा मेरे बड़ा सौभाग्य, वो डोंगरे जी के मुखारविंद से 108 भागवत सुनने लगी। इस 108 भागवत को सुनने के क्रम में 7 वर्ष बीत गए, 7 वर्ष बीत गए। 7 वर्ष के बाद जब 108 भागवत हो गई तो डोंगरे जी ने उनसे कहा, अब 108 भागवत तुमने सुन लिया है, अब तुम्हारी यदि गृहस्थ धर्म में रुचि है तो फिर हम संतान उत्पत्ति का प्रयत्न करें और अपना परिवार भरे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, भागवत श्रवण के बाद मैंने कृष्ण को ही अपना बेटा मान लिया है, अब मैं गृहस्थ धर्म में उस स्वरूप में प्रवेश नहीं करूंगा। जीवन भर वो उस समता और ममता में बंधकर जीवन बिताते रहे। जब अंत समय आया उनका तो वो भागवत कर रहे थे, वो दूर थी तो जब उनको खबर मिली कि वो शांत हो गए तो उन्होंने कहा अरे जाना होगा, मुझे उनकी अस्थियों को विधिवत रूप से विसर्जित करना होगा। तो वो उनके साथ उस समय रतन पटेल जी या रत्नेश पटेल जी, एक मठाधीश सेठ जी खड़े थे उनके साथ में, बड़े आत्मी थे, उनके भक्त थे, शिष्य थे। उन्होंने कहा कि सुनो रतन जी, मुझे इनके क्रियाकर्म करना है, अस्थि लेकर हरिद्वार जाना है, अब कुछ धन की जरूरत पड़ेगी, तो इनका मंगल सूत्र मेरे पास रखा है, तो मैं ये मंगल सूत्र जो है कहीं बेच देते हैं, उससे जो धन मिल जाएगा उससे मैं इनके अंतिम क्रियाकर्म करूंगा। रत्नेश जी लिखते हैं और कहते हैं कि मैं रुदन करने लगा कि आहा, एक के एक इशारे में संपूर्ण दुनिया के लोग धन लेकर दौड़ने वाले, लेकिन इनका ममत्वपूर्ण जीवन की नहीं, भागवत से मुझे धन नहीं चाहिए। और इन्होंने उस मंगल सूत्र को बेचकर जो धन मिला उससे पत्नी के अस्थि विसर्जन की प्रक्रियाएं पूरी की। ध्यान रखिए, ये विषय आते हैं संसार में, जब वैभवता बढ़ती है, परिवार बढ़ता है, तो आपकी ममता कब मोह में परिवर्तित हो जाती है और ये मोह कब पूर्वक ग्रही हो जाता है और कब आपको बांध लेता है जीवन में। तो सदैव अपने चित्त में ममता रखिए, गृहस्थ में भी परिवार में भी, छोड़ जाना है सबको तो सबके प्रति समता वाली ममता। बिल्कुल आपने ठीक कहा डॉक्टर साहब, और अद्भुत उदाहरण आपने दिया, आंखें सजल हो गई कि ममता तो है लेकिन ममता कितनी निस्वार्थ है। 108 भागवत सुनने के दौरान विवाह के एक अलग ही धर्म का स्फुरण हुआ, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं प्लेटोनिक लव, एक आध्यात्मिक प्रेम। मिलना तो मन से होता है, तन तो सिर्फ बहाना है। और कितनी सुंदर बात की, किससे क्या लेना। हम लोगों को ये सब बातें, माफ कीजिएगा, आज के युग में मूर्खतापूर्ण लगती है। आज तो ये है कि मौका देख के चौका लगा दो, अभी मेहरबान है बॉस, मेहरबान है प्रभु, मेहरबान है, समय का जितना यूटिलाइजेशन कर लो। कितने मूड है हम ये सब करके, जो जमा करके देख रहे हैं वो सब छूटना है। डोंगरे दंपत्ति को प्रणाम, और जो वो ले गए होंगे वो तो लगता है साक्षात देह जरूर लिया, ग्रहण किया, लेकिन वो देहधारी नहीं थे, देव मूर्ति थे, देव मूर्ति थे। और यही बात पे मुझे याद आया मंगल सूत्र पे, कि सुदामा जब कृष्ण से मिलकर निकले
तो कृष्ण ने जो उनको वस्त्रादि भेंट किए थे, देखिए प्रेम कितना, ममता दोनों की एक दूसरे के प्रति अनन्य है। सुदामा जो दारिद्र की प्रतिमूर्ति है, और पत्नी ने समझा के भेजा है कि मांग लेना कुछ, छूटे ये दुर्दिन, डॉक्टर साहब बता चुके हैं हमको पहले। तो कृष्ण उनको जो नए वस्त्र देते हैं, चमक दमक भरे माला इत्यादि, जब वो निकलते हैं तो वो त्रिपुरारी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ये उतार दो प्रिय मित्र, उतार दो, नहीं तो वनांचल से गुजरोगे तो कहीं लुटेरे ना लूट लें तुमको धनी मानकर। जिस वेश में आए थे ना, जैसे आए थे, जो हमारा मूल जो है, धारण कर लो उसको। और वो मित्र जो दारिद्र में डूबा है, उसके मन में जरा भी प्रश्न संशय नहीं है कि कृष्ण मेरे हित चिंतन के लिए बोल रहे हैं। आप और हम होते कि देखो ये उपहार दिया और अब चतुराई से कह रहा है कि छोड़ जाओ। उन्होंने बड़ी सहजता से उतारा और प्रणाम करते हुए मनी मन कि अद्भुत मित्रता है हमारी। कृष्ण भी मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा सुदामा भी रहे, ममता अनन्य है एक दूसरे के प्रति, लेकिन स्वार्थ का कोई छोर नहीं। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, आज डोंगरे दंपत्ति ने तो ऐसा आनंद से भर दिया, और ऐसा लगता है जब आप इस तरह के प्रसंग रखते हैं, ऐसा लगता है कि ईश्वर आता है इस धरती। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं मुझे बालपन से अलग अलग लोगों के सत्संग का अवसर मिला, बिंदु जी भी मेरे घर आते थे और मुझे गोद में खिलाया है, ऐसा पिताजी बताते हैं, मेरी स्मृतियों में नहीं, उनके परम मित्र थे। इन लोगों ने सूचकांक के माध्यम से कितनी अमर रचनाएं, हम उनका श्रवण नहीं करते। ये ममता वैराग्य का एक दूसरा स्वरूप ममता है, ध्यान रखिएगा, वैराग्य का दूसरा। बिल्कुल ठीक। तो वो एक सुंदरतम, मुझे उसकी वो गीत तो लंबा है, लेकिन मैं प्रसंगवश आपको उसकी चार पंक्ति यहाँ सुनाना पसंद करूंगा। आप देखिए कितनी सुंदर बात कहते हैं वो, ममता क्यों रखी है जमाने से, ताकि ये मोह का स्वरूप न धारण करे। अब देखिए ममता की परिभाषा कितनी अच्छी व्यक्त कर रहे हैं वो, बहुत सुंदर सूत्र है। क्यों अकड़ता है मुसाफिर तू यहाँ, क्यों अकड़ता है मुसाफिर तू यहाँ, ये किराए पर मिला तुझको मकान, कोठरी खाली करा ली जाएगी, कोठरी खाली करा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। जड़ भरत कहता है चेतन तुम सुनो, जड़ मोही है और चेतन ममता है। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं वो, जड़ भरत कहता है चेतन तुम सुनो, नींद से जागो चलो जल्दी उठो, आत्मा परमात्मा बन जाएगी, आत्मा परमात्मा बन जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी। वाह आनंद है, आनंद है, कितनी सुंदर बात है। और इसमें दो सूत्र बड़े गहरे हैं कि जो ममता है उसमें वैराग्य होता है, ये साहब जीस्ट है चर्चा का जो हमने आज की है। मोह मोहांध होता है, अंधा होता है, नेत्रहीन हो जाता है, लेकिन भक्ति वैराग्य रूपी मशाल से प्रज्वलित रहती है। आ हा हा, प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर प्रस्तुत होंगे।